हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट आईक्यू। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम लोग GCD भी बोलते हैं यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, और LCM जिसे बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो चलिए हम लोग एक एक करके इसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं HCF के बारे में, ठीक है। अगर बेसिकली HCF की बात करें तो हम लोग फैक्टर तो सभी लोग पढ़ चुके हैं कि फैक्टर क्या होता है। लेट्स से इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में आपको दो नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि HCF और LCM निकालने के लिए क्या होता है, किसी एक नंबर से आप हाईएस्ट या फिर लोअर नहीं निकाल सकते हो, कॉमन नहीं निकाल सकते, क्योंकि कॉमन के लिए क्या चाहिए होता है, आपके पास दो पेयर चाहिए होता है, ठीक है। तो मान लीजिए हम लोग एग्जाम्पल में एक नंबर लेते हैं 36 और दूसरा नंबर लेते हैं 48, ठीक है। तो देखिए 36 किसका, 36 के फैक्टर कौन कौन से नंबर होते हैं, तो देखिए 36 वन के टेबल में आता है, टू के टेबल में आता है, थ्री के टेबल में आता है, फोर के टेबल में आता है, सिक्स के टेबल में आता है, नाइन के टेबल में आता है, ट्वेल्व के टेबल में आता है, एंड 18 के टेबल में आता है, एंड 36 के टेबल में आता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 36 का फैक्टर, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 एंड 36। अब चलिए हम लोग 48 का फैक्टर देखते हैं कि 48 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं। तो देखिए 48 का फैक्टर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है, इसमें 8 भी इसका फैक्टर होता है, 9 इसका फैक्टर नहीं होता, 12 होता है, 16 होता है, 34 होता है, एंड 48 होता है, ठीक है। अब देखिए आपको निकालना क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन, जैसे इसका अगर कॉमन फैक्टर की बात करें तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या क्या है, तो कॉमन फैक्टर आपका इसमें है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, HCF निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो HCF इसका क्या हो जाएगा, HCF ऑफ 36 एंड 48 इक्वल टू 12, ठीक है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। देखिए ये सिंपल सा मेथड है कि आप कैसे HCF को फाइंड आउट करते हैं, यानी कि HCF का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये आपका स्टेप नहीं है, बस सिंपल सा आपके पास अगर कोई दो नंबर लिखा हुआ है, वो जो भी दो नंबर लिखा हो उन सारे का आप फैक्टर निकालो, फैक्टर में जो आपका सबसे बड़ा नंबर होगा, जो कॉमन होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए HCF फाइंड आउट करने का दो मेथड होता है, चलिए हम लोग उन दोनों मेथड के अकॉर्डिंग HCF को सॉल्व करते हैं। तो देखिए दो मेथड होता है, पहला मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। चलिए हम लोग इसके लिए एक एग्जांपल लेट करते हैं। जैसे एग्जांपल में थोड़ा बड़ा नंबर लेट करते हैं, जैसे 120 एंड 192, ठीक है, थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं। चलिए अब सबसे पहले हम लोग मेथड वन से इसे सॉल्व करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इसमें क्या करना होता है, किसका हम लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है। तो देखिए 120 पहले 2 के टेबल में आता है, कितने बार में आता है, 60 टाइम में आता है, फिर 62 के टेबल में आता है 30 टाइम में, फिर 32 के टेबल में आता है 15 टाइम में। अब 15 2 के टेबल में नहीं आता, तो ये 3 के टेबल में आता है, कितने टाइम्स में आता है, तो ये आता है 5 के टेबल में, 5 के टेबल में कितने बार में आता है, 1 टाइम्स में आता है। तो ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसके लिए 120 के लिए कि 120 इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 3 × 5, ठीक है। अब चलिए 192 का निकालते हैं, तो 192 का भी सिंपली इसी तरह से निकालेंगे, 2 के टेबल में आएगा, कितने बार में आएगा, तो 2 के टेबल में आ जाएगा आपका 96 टाइम में, 2 के टेबल में 96 भी आता है, कितने टाइम्स में आएगा, तो यह आ जाएगा आपका 48 टाइम्स में, ये भी 2 के टेबल में आएगा, कितने टाइम्स में आएगा, तो यह आ जाएगा आपका 24 टाइम में, फिर से ये 2 के टेबल में आएगा 12 टाइम में, फिर से 2 के टेबल में आएगा 6 टाइम में, फिर से 2 के टेबल में आएगा 3 टाइम में, ठीक है। तो ये इसका फैक्टर हो गया, यहाँ पे हम लोग इसका फैक्टर भी लिख लेते हैं, 192 का फैक्टर क्या क्या हो गया, तो 2 कितने टाइम्स हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइम 2 हुआ है, 1 टाइम 3 हुआ है, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितने टाइम्स हुआ, 1, 2, 3, 4, 5 × 2 × 3, ठीक है। अब देखिए इसमें आपका कॉमन क्या क्या है, तो अगर यहाँ पे हम लोग कॉमन देखें तो यहाँ पे कॉमन क्या है, एक 3 कॉमन है, और इसमें कितना 2 कॉमन है, तो यहाँ पे इसमें 3 × 2 जो है वो कॉमन है, ठीक है। तो इसका अगर आपका हम लोग बोले कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर इसमें क्या हो जाएगा, तो 2 × 2 × 2 × 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका हो जाएगा 24। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं अकॉर्डिंग टू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले हम लोग को उन दोनों को फैक्टर निकालना होता है इस तरह से, उसके बाद इस तरह से निकालने के बाद उसे लिखते हैं, लिखने के बाद में जो उसमें कॉमन नंबर होता है उसे लिखते हैं, और फिर इस तरह से इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। आई थिंक कि आपको ये मेथड ऐसे समझ में आ चुका होगा। अगर मेथड में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लॉन्ग डिवीजन मेथड। सेम हम लोग इसी क्वेश्चन को लेते हैं और इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, इसी मेथड से, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन हम लोग चेंज नहीं करते हैं। चलिए तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो बड़ा नंबर होता है ना उसको हम लोग अंदर लिखते हैं, जैसे
192, हम डिवाइड किससे करेंगे तो 120 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो देखिए 120 के टेबल में 192 तो नहीं आएगा, 2 टाइम्स करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग 1 टाइम्स में इसको करते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा 120, इसे हम लोग लेस करेंगे, लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 72, फिर 72 बाहर आएगा, हम लोग फिर से 120 को डिवाइड करेंगे इसी नंबर से, फिर से ये 1 ही टाइम में कटेगा, फिर से इसको 1 टाइम में हम लोग लेस करते हैं, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 48 टाइम में। अब 48 में हम लोग किसको डिवाइड करेंगे, 72 को, 72 तो नहीं आता 48 के टेबल में, फिर से हम लोग इसे 1 टाइम्स में करेंगे, ये हो गया आपका 48, इसको लेस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 24। अब 24 आ गया, 24 हम लोग किसको डिवाइड करेंगे, तो करेंगे हम लोग 48 को, ठीक है। तो देखिए ये 2 टाइम्स में पूरा का पूरा कट गया, रिमाइंडर 0 आएगा, तो रिमाइंडर जब भी 0 आ जाए तो जिस नंबर से डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर 0 आता है वही आपका होता है HCF, ठीक है। तो यहाँ पे आपका HCF क्या हो गया, तो यहाँ पे आपका HCF हो गया 24। तो इस तरह से हम लोग अकॉर्डिंग टू लॉन्ग डिविजन मेथड हम लोग इस तरह से HCF को फाइंड आउट करते हैं। कुछ भी नहीं करना होता है, 2 नंबर आपके पास दिया रहेगा, जो बड़ा नंबर है उसको अंदर लिखे, जो छोटा नंबर है उसको बाहर लिखे, फिर उसको इसी तरह से डिवाइड कर दीजिए, जो आपका लेस करने के बाद में आएगा उसको आप लिखिए, फिर जो आप जिससे डिवाइड किए थे उस नंबर को अंदर लिखिए, फिर जितना लेस करने के बाद आएगा फिर उसी नंबर को आप अंदर लिखिए, इस तरह से बस आपको कंटिन्यू प्रोसेस करते जाना है, तब तक करना है जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जैसे ही रिमाइंडर 0 आएगा, जिस नंबर से डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर 0 आया वही नंबर आपका HCF हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका 2 मेथड फाइंड आउट करने का HCF, कि हम लोग किस तरह से HCF को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं LCM को, बट इन दी नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछने हो, कोई भी डाउट पूछने हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।